हेलो एवरीवन, आई एम वरुण राणा। आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल एंड प्रिपेयरिंग वेल फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स। और आप अपने आने वाले आईबीपीएस क्लर्क के एग्जाम के लिए भी काफी अच्छे से प्रिपेयर कर रहे होंगे, अच्छे से मॉक टेस्ट दे रहे होंगे और आपका स्कोर भी काफी अच्छा आ रहा होगा। अब आप में से कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो आरआरबी पीओ और क्लर्क के मेंस के लिए भी अभी से प्रिपेयर कर रहे होंगे। अभी से क्या, बहुत कम टाइम बचा हुआ है उन दोनों के मेंस के लिए भी। आई थिंक 24 सितंबर को पीओ का मेंस शेड्यूल्ड है और अक्टूबर फर्स्ट वीक में आई थिंक क्लर्क का मेंस शेड्यूल्ड है। तो जो लोग अभी से अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे उनको काफ़ी हेल्प मिलेगी उसमें। अब आप देखोगे कि किसी भी मेंस को क्रैक करने में जो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है वो करता है इंग्लिश का सेक्शन या फिर किसी भी लैंग्वेज का सेक्शन। बट जितना मैंने ऑब्जर्व किया है उसमें मैंने देखा है कि आरआरबी प्योर क्लर्क दोनों ही एग्जाम में हिंदी से ज़्यादा इजी मुझे इंग्लिश लगती है। अब जिनका हिंदी काफ़ी अच्छा है वो शायद अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं हिंदी में, बट अगर कोई हिंदी में एवरेज है तो मैं उसको सजेस्ट करूँगी कि वो इंग्लिश के लिए जाए और उसकी प्रिपरेशन अच्छे से करे। मैं खुद लास्ट ईयर आरआरबी क्लर्क में सिलेक्टेड हूँ, मुझे प्रथमा यूपी ग्रामीण बैंक अलॉट हुआ था और आरआरबी पीओ में भी मुझे आर्यव्रत बैंक अलॉट हुआ है। तो कहीं ना कहीं इन दोनों ही एग्जाम के लिए इंग्लिश के लिए किस तरह से प्रिपेयर कर सकते हैं मैं शायद मुझे थोड़ा बहुत आइडिया है। सबसे पहले तो बात करें, मैंने आरआरबी क्लर्क में 34 मार्क्स मिले थे मुझे इंग्लिश में आउट ऑफ 40 और आरआरबी पीओ में मुझे 31 मार्क्स मिले थे। तो मैं जितना भी मेरा जो एक्सपीरियंस है मैं वही आप लोग के साथ शेयर करूँगी किन किन चीज़ों ने मुझे हेल्प किया। सबसे पहले तो बात करें इंग्लिश के लिए, अगर कोई मुझसे पूछता है कि क्या एक चीज़ है इंग्लिश को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, तो मैं सबसे पहली चीज़ यही बोलती हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा रीडिंग करो, आप डेली न्यूज़पेपर रीड करो और उस टाइम को अपना अलग रखो। ऐसा नहीं कि आप इंग्लिश का मॉक टेस्ट दे रहे हैं या जो कर रहे हैं उसी में उसको इंक्लूड कर लिया। रीडिंग के लिए अपना आधा घंटा 45 मिनट्स आप अलग से रखो, उसमें आप न्यूज़पेपर रीड करो, कोई मैगजीन रीड करो, बुक रीड करो, कोई नॉवेल रीड करो, जो आपको पढ़ने में कंफर्टेबल लगता है आप उसको रीड करो। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनको फिजिकल फॉर्म में मतलब हार्ड कॉपी उसकी नहीं मिलती होगी, न्यूज़पेपर की नहीं अवेलेबल होगी, तो आप उसका ई सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हो, उसको भी अगर आप पढ़ोगे तो आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। अब सिर्फ ऐसा नहीं कि हाँ हमारे सामने कोई चीज़ है और हमने पढ़ लिया और बस ख़त्म हो गया, ऐसे नहीं। आपको उसकी हर एक वर्ड का, हर एक लाइन का मीनिंग अच्छे से समझ आना चाहिए। अगर आपको किसी वर्ड का, किसी लाइन का मीनिंग नहीं समझ में आता है तो उसको डिक्शनरी में ढूंढो, उस सेंटेंस को गूगल पर डालो, उसका मीनिंग देखो कि वो क्या बोलना चाह रहा है। इसके अलावा अगर आपको कोई वर्ड्स ऐसे मिलते हैं जिनका आपको मीनिंग नहीं पता है, उनके लिए एक अलग से कॉपी या डायरी मेंटेन करो, उसमें वो वर्ड्स लिखो, उसके उसका जो भी मीनिंग है वो लिखो, उसके कम से कम 4 से 5 सिनोनिम और एंटोनिम्स लिखो। तो इससे आप देखोगे कि एक ही वर्ड से आपके 10-15 वर्ड नए आपको सीखने को मिल जाएंगे। तो इस तरह से अपना डेली का ये एक डायरी मेंटेन करो। आप भले ही दो पेज पढ़ रहे हो न्यूज़पेपर के, मैं ये नहीं बोल रही कि आप एक साथ बैठ के पूरा न्यूज़पेपर रीड करो, बट एटलीस्ट ट्राई करो कि आप 1 से 2 पेज उसके पढ़ो और उनको अच्छे से समझो। अब आप जो भी रीड करते हो उससे सिर्फ ये नहीं कि आपका आरसी वाला जो पोर्शन है वो अच्छा होता है, इसके अलावा आपको पैरा जंबल में भी बहुत हेल्प मिलेगी, आपको क्लोज टेस्ट में भी बहुत हेल्प मिलेगी, सेंटेंस रीअरेंजमेंट में काफ़ी हेल्प मिलेगी आपको, इसके अलावा आरसी में जो वोकैब वाला पार्ट होता है उसमें काफ़ी हेल्प मिलेगी। या आपने देखा हो कि 2020 में, मुझे याद है 21 और 20 में आईबीपीएस पीओ के एग्जाम में 5 से 6 क्वेश्चन ऐसे थे जिसमें आपको वर्ड्स का बताना था, वर्ड्स का क्या मीनिंग होता है, मतलब सिनोनिम्स एंटोनिम्स का कुछ एक क्वेश्चन था कि एक वर्ड दे दिया गया था उसमें बोल्ड में और उसका बताना था कि इसका कौन सा एंटोनिम या सिनोनिम होगा। तो इस तरह के भी अगर क्वेश्चंस आते हैं तो आप वो भी काफ़ी, हो सकता है कि आपको पढ़े हुए वर्ड्स वहाँ देखने को मिले। इसके अलावा रीडिंग में इसके साथ साथ अगर आप, मैं बोलूँगी कि आपको
ग्रामर में भी काफी हेल्प मिलेगी, क्योंकि आप जब देखोगे तो आपको समझ आएगा कि किस सिचुएशन में किस जगह कौन सा टेंस यूज हो रहा है, और जब आप फ्रीक्वेंटली चीजें पढ़ते रहोगे तो आपको एक आइडेंटिफाई करने में काफी इजी हो जाएगा कि कहाँ कौन सा टेंस, कौन सी वर्ब की फॉर्म, कौन सा सब्जेक्ट के साथ कौन सा ऑब्जेक्ट क्या है, ये सब चीजें आप अच्छे से आइडेंटिफाई कर लोगे और इससे आपके ग्रामर सेक्शन में भी हेल्प मिलेगी। इसके अलावा बहुत लोग होते हैं कि ग्रामर सेक्शन में क्या क्या पढ़ें, तो ग्रामर सेक्शन में ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर बहुत ही वास्ट एक सब्जेक्ट हो गया है, तो उतना वास्ट हमारे पास ना इतना टाइम होता है और ना ही हम इतना ना ही फिजिबल है कि पूरे ग्रामर को पढ़ना। तो अपने 3 से 4 टॉपिक, जैसे जब मैं प्रिपेयर कर रही थी तो मैंने सिर्फ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, नाउन और नाउन प्रोनाउन और ये टेंसेस को बहुत अच्छे से किया था, मतलब ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट और टेंसेस को तो मैंने इतने अच्छे से पढ़ा था, इतने अच्छे से प्रैक्टिस किया था, और इससे ही मुझे मतलब अगर एरर के क्वेश्चन आते थे तो मुझे मैं 5 में से 3 या 4 क्वेश्चन आराम से कर देती थी सिर्फ इतने में। मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि आप भी एटलीस्ट इन 2 या 3 टॉपिक्स को काफ़ी अच्छे से करो, इनको जहाँ से आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन मिलते हैं वो प्रैक्टिस करो। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो ग्रामर के लिए किसी टीचर को ढूंढ रहे होंगे, जो जिनको क्लास से अगर कोई सामने से बताए, ऐसे पढ़ के समझ नहीं आता बट अगर सामने से कोई बताए तब उनको समझ आता है, तो उसके लिए बहुत लोग रिकमेंड करते हैं अनअकैडमी को, बट अनअकैडमी का काफ़ी महंगा सब्सक्रिप्शन हो जाता है। तो उसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप एक बार टेक्स्ट बुक का सुपर कोचिंग आप ट्राई कर सकते हो, बहुत ही फिजिबल रेट्स में काफ़ी अच्छे टीचर्स आपको वहाँ पे मिलेंगे, इंग्लिश के लिए, क्वांट्स के लिए, रीजनिंग के लिए, हर सब्जेक्ट के लिए वहाँ पे टीचर्स हैं और काफ़ी अच्छे टीचर्स हैं, आपने उनकी यूट्यूब पे क्लासेस भी देखी होंगी, और उसमें बहुत ही नॉमिनल रेट्स में है, खैर अभी 1 तारीख से उनके प्राइसेस बढ़ने वाले हैं, 900 पर मंथ का कुछ तो होने वाला है, बट अभी क्योंकि गणेश उत्सव आने वाला है तो उनकी कुछ सेल चल रही है, तो उसमें 72% का ऑफ हो रहा है। इसके अलावा अगर आप मेरा कोड वरु20 ऐड करते हो तो आपको एक्स्ट्रा 25% का डिस्काउंट मिलता है, और जो आपको 900 पर मंथ में मिलने वाली क्लासेज है वो आपको 193 पर मंथ में मिल जाएगी। इसके अलावा एक चीज़ और है कि आप अनअकैडमी में बहुत बड़े बड़े सब्सक्रिप्शन अगर लेते हो तभी आपको उसका फ़ायदा होता है, तभी आपको ऑफ मिलते हैं, बट इसमें क्या है कि आप जितना टाइम आपको लगता है कि अभी बहुत सारा मेंस का टाइम चल रहा है 4-5 महीने, तो उसके लिए आप अभी अपना सब्सक्रिप्शन ले सकते हो, 190 बहुत ही नॉमिनियल चार्जेस है, इतने में अगर अच्छी क्लासेस मिल रही हैं तो उसमें कोई भी बुराई नहीं है। बाकी आपको कहीं से बाकी इसमें आपको ऐसा नहीं है कि पास अलग से लेना पड़ेगा मॉक टेस्ट के लिए, इसमें आपको उनके मॉक टेस्ट भी मिलते हैं, सेक्शनल टेस्ट भी मिलते हैं, टॉपिक वाइज टेस्ट भी मिलते हैं, और इंग्लिश के लिए मॉक टेस्ट के अलावा आप जितना प्रैक्टिस करोगे, मॉक टेस्ट में तो आप फुल लेंथ मॉक टेस्ट दो तो उसमें तो प्रैक्टिस हो ही रही है, इसके अलावा सेक्शनल टेस्ट दो, टॉपिक वाइज टेस्ट दो, अगर आपको लगता है कि आपके पैरा जंबल बहुत मतलब वीक है तो आप पैरा जंबल का एक टॉपिक टेस्ट दे सकते हो, तो ये भी एक टेस्ट बुक में काफ़ी अच्छा है, तो अगर आप ट्राई करना चाहते हो तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके अलावा आपको जहाँ से भी प्रैक्टिस पीडीएफ्स मिलते हैं, क्वेश्चन मिलते हैं, उनको करो, आपको अगर कोई भी एक छोटा सा टॉपिक भी मिलता है आप उसमें पढ़ रहे हो तो उसमें आइडेंटिफाई करने की कोशिश करो, आप जब ये चीज़ें रेगुलरली करोगे तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी और आप देखोगे कि आपके जो मॉक में भी इंक्रीज होता जाएगा इंग्लिश में स्कोर, और आपको अपने मेंस एग्जाम में भी काफ़ी हेल्प मिलेगी, और आप जानते हो कि मेंस में एक एक मार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो ये चीज़ें रेगुलरली फॉलो करो, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। इसके अलावा अगर और भी कोई आपकी क्वेरी है, कोई भी डाउट है, तो आप मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट nevergiveup_25 पे मुझसे कनेक्ट कर सकते हो, और मेरा टेलीग्राम चैनल नेवर गिव अप को भी ज्वाइन कर सकते हो, दोनों ही लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। बाकी अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो, तो उसको लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड गुड नाइट।